नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डैनिश है। मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल डैनिश टेक यूवर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ही खास न्यूज़ लेके आया हूँ, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, शोमी के रेडमी 8 ए और रेडमी 8 कंपनी का बजट स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है बहुत जल्दी ही। और दोस्तों, आपको मैं इसके इस वीडियो में इसके फीचर्स और इसकी प्राइस और इसकी पूरे डिटेल के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, शोमी कब इसको लॉन्च कर रहा है और किस प्राइस के साथ इसको लॉन्च कर रहा है और किस फीचर के साथ इसको लॉन्च कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दूँ कि शोमी जल्दी बाजार में दो नए एक बजट रेंज पर स्मार्टफोन रेडमी 8 और रेडमी 8 को लॉन्च कर सकती है। हालांकि कंपनी ने फ़ोन की लॉन्च डेट व फीचर से जुड़ी कोई जानकारी शेयर नहीं की अभी तक। पर दोस्तों, आपको बता दें कि जो सर्टिफिकेशन वेबसाइट NBTC पर रेडमी के दो फ़ोन स्पोर्ट हुए थे, जिन्हें रेडमी 8 और रेडमी 8 बताया जा रहा है। वहीं अब रेडमी 8 10AA वेबसाइट पर लिस्ट हो चुके हैं, जहां इसके फीचर्स की जानकारी दी गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि रेडमी 8 कंपनी ने जो रेडमी 8 है बड़ा, वो कंपनी का रेडमी जो 7 ने पहले जो फ़ोन लॉन्च कर हो चुका है उनका ये अपग्रेड है बड़ा रेडमी 8। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह फ़ोन 10AA वेबसाइट पर हुआ है लॉन्च, अभी तक उनकी लिस्ट हुआ है, जहाँ दी गई जानकारी के इस स्मार्टफोन में आपको बता दें कि उसकी जानकारी क्या क्या दी हुई है। 720x1520 पिक्सल के स्क्रीन रेजोल्यूशन के साथ 6.2 इंच का डिस्प्ले होगा, जबकि रेडमी 7 ए में 5.45 इंच का डिस्प्ले दिया गया था। कंपनी रेडमी 8 को 2.0 GHZ ओक्टा कोर प्रोसेसर पर पेश कर सकती है। दोस्तों, मतलब कि रेडमी 8 को 2 GHz ओक्टा कोर प्रोसेसर पर ही लॉन्च किया जा सकता है। इस फ़ोन में आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। और आपको बता दें कि अंदाजा लगाया जा रहा है कि कंपनी रेडमी 8 कोर 3 GB और 4GB दो रैम वारंटी और 3 स्टोरेज वारंटी में पेश कर सकती है, जिसमें 16GB 32GB और 64GB शामिल हो सकता है। फोटोग्राफी सेक्शन की बात करें तो रेडमी 8 में 12 MP का रियर कैमरा दिया गया है, जबकि सेल्फी के लिए 8 MP का फ्रंट कैमरा उपलब्ध है। 10A पर लिस्ट हुई जानकारी के अनुसार इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है और यह MIUI 10 के साथ एंड्रॉयड 9 पाई पर का लॉन्च हो सकता है। बता दें कि रेडमी 8 भारत में जुलाई में लॉन्च किए गए स्मार्टफोन रेडमी 7 का ही अपग्रेड है। और दोस्तों, आपको बता दें कि रेडमी 7 को 2 स्टोरेज वारंटी में लॉन्च किया गया था, जिसमें 2GB रैम प्लस 16GB स्टोरेज की कीमत 5,999 थी, जबकि 2GB रैम और 32GB स्टोरेज ऑप्शन को 6,199 में खरीदा सकते थे। और दोस्तों, इसी के साथ अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि रेडमी 8 की कीमत 10,000 से कम ही होगी, या 7,000 या 8,000 हो सकती है और 9,000 भी हो सकती है, मगर उसकी 10,000 से कम ही इसकी प्राइस हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस यूट्यूब चैनल डैनिश टेक टीवी को सब्सक्राइब जरूर करेगा, क्योंकि इस वीडियो से मैं आपके लिए आता रहता हूँ। थैंक्स।